हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह की सैर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ आपको कुछ मिले ना मिले खूबसूरत पेंगुइन्स जरूर मिलेंगे। इतना ही नहीं, खूबसूरत बीचेस के लिए ये शहर जाना जाता है। आपको पता है यहाँ के बीचेस को ब्लू फ्लैग मिला हुआ है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। आखिर ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है तो इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि ये यंग शहर काफी खूबसूरत है, यहाँ पर यंगस्टर्स ज्यादा मिलेंगे आपको। लोग बहुत ही मिलनसार हैं और खुली सोच के हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है, वो समस्या क्या है इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत शहर की सैर पर, नाम है केप टाउन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। केप टाउन अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। केप टाउन पॉपुलेशन 50 करोड़ के आसपास। ये वेस्टर्न केप की राजधानी है। साउथ अफ्रीका का ये शहर केप टाउन घूमने का शौक रखने वाले लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। कई सेलिब्रिटीज भी यहाँ अपना बेहतरीन टाइम पास करते नजर आते हैं। केप टाउन अपने खूबसूरत बीचेस के लिए प्रसिद्ध है, अपनी संस्कृति के लिए ट्रेवलर्स के बीच खासा लोकप्रिय है। इसी के साथ आइकॉनिक टेबल माउंटेन से घिरा केप टाउन काफी मिलीजुली संस्कृति को दिखाता है। आपको बता दें कि यहाँ आपको मौसम का उल्टा चक्र मिलेगा, मतलब हमारे यहाँ की सर्दियों के समय केप टाउन में गर्मियाँ होती हैं। इसी के साथ अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। इस शहर में कई जगहों पर अफ्रीकी पेंगुइन देखे जा सकते हैं और ये हर जगह से पशु प्रेमियों के लिए काफी अट्रैक्टिव प्लेस है। आप पेंगुइन के इर्द गिर्द खूबसूरत तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, उनके साथ बेहतरीन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनको इरिटेट मत कीजिएगा। यह आपको बता दें कि ये प्रजाति अब विलुप्त भी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यहीं देखने को मिलेगी, इसलिए बी केयरफुल। दोस्तों, इस शहर को यंग सिटी भी कहा जाता है क्योंकि 22 मिलियन से ज्यादा लोग 0 से 19 एज के ग्रुप में हैं। आपको पता है यहाँ औसत एज 29 साल है, इसीलिए यहाँ पर इसे यंग सिटी के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ के बीचेस को ब्लू फ्लैग क्यों दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ब्लू फ्लैग स्टेटस है, एक प्रकार का पुरस्कार समझ लीजिए, जो दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन पर्यावरण अनुकूल समुद्र तटों को दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि समुद्र तट पर एक बेहतरीन क्वालिटी की सुविधा मिलेगी, बेहतर पानी मिलेगा, यहाँ आने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे और हाँ, उन्हें इस पानी से किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर बिना किसी झिझक के, हेसिटेशन के आराम से वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। दोस्तों, केप टाउन में इस लेवल वाले 8 से ज्यादा बीचेस हैं। इनमें कैप्स बे बीच, क्लिफ्टन फोर्थ बीच, फिश होक बीच और भी बहुत सारे हैं। उनकी सैर हम आपको आगे कराएंगे। दोस्तों, केप टाउन के समुद्र तट अच्छी तरह से विकसित है, इसलिए यहाँ पर जरूर आइएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि केप टाउन के बारे में एक जानकारी और है हमारे पास। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों में से ये एक है, अन्य 2 प्रिटोरिया और ब्लोमफ्लोंटेन है। केप टाउन मुख्य रूप से विधायी राजधानी है क्योंकि ये देश की संसद का घर है। दोस्तों, आपको पता है दुनिया के सबसे लंबे वाइन रूट में से एक केप टाउन में भी मौजूद है। रूट 62,850 किलोमीटर लंबा है और शहर के ठीक बाहर से शुरू होता है। यही कारण है कि केप वाइन लैंड्स वाइन टूर केप टाउन के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको LGBTQ समुदाय बहुत ही सुरक्षित मिलेगा। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा LGBTQ+ समुदाय यहीं पर है, केप टाउन में। दोस्तों, LGBTQ के रहने के लिए सबसे फेवरेट जगह उनकी केप टाउन है। इसका कारण है कि वो यहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो आराम से यहाँ रह सकते हैं, उन्हें यहाँ पर बराबर का दर्जा मिलता है, उनके साथ यहाँ पर अच्छा व्यवहार होता है और ये शहर उनके लिए परफेक्ट है, इसीलिए वो यहाँ आकर रहना चाहते हैं। LGBTQ के लिए यहाँ कई फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, वो खुलकर सांस ले सकते हैं और खुलकर घूम सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब बात घूमने की आ रही है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। दिस इज टेबल माउंटेन। जी हाँ, एक ऐसी जगह जो सबसे खूबसूरत है केप टाउन में। यहाँ आने वाला हर एक शख्स सबसे पहले इसकी तरफ भागता है। जी हाँ, ये 1,086 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर चढ़कर आप खास नजारे देख सकते हैं।
और एक अलग ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो रम्य दृश्यों को देख पाएंगे अगर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। शिखर तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है केबल वे के माध्यम से, जिसमें घूमने वाले केबिन है ताकि आप आसपास के खूबसूरत दृश्यों को भी देख लें। आप यहां पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। घने जंगलों में विदेशी वन्य जीवों का पता लगाने के लिए ये केबल स्टेशन परफेक्ट है। हाइट से इसका अपना ही मजा है। दोस्तों, ये है बोल्डर्स बीच। जी हाँ, अगर आपको पेंगुइन्स अच्छे लगते हैं तो वो आपको यही मिलेंगे और कहीं नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेंगुइन की संख्या बहुत कम हो रही है, ये लुप्त हो रहे हैं। तो इनके पूरी तरह से लुप्त होने से पहले आप केप टाउन आ जाइए और इन्हें यहाँ देख लीजिए। गोल्डन बीच का जिक्र किए बिना ये यात्रा आपकी अधूरी है और 2000 से ज्यादा अफ्रीकी पेंगुइन के साथ बीच पर समय बिता सकते हैं। इन पेंगुइन का दूसरा नाम जैकस है। आपको बता दें कि यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आप आ सकते हैं। नवंबर से मार्च तक यहाँ भीड़ भाड़ वाला मौसम रहता है। आप सुबह जल्दी आ जाए तो आपका समय अच्छा बीतेगा। दोस्तों, दिस इज विक्टोरिया एंड अल्फ्रेड वाटरफ्रंट, एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस जो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यही। ये शहर चहल पहल वाला शहर है जो आपको सुकून भी देता है और मस्ती के पल भी। अटलांटिक महासागर, टेबल माउंटेन और टेबल बे के नजारों से खूबसूरती से सजाई गई ये जगह। ये शहर का एक चहल पहल वाला स्थान है जिसका नाम एक अंग्रेज रानी और उसके बेटे के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने 1860 में बैक वाटर के लिए आधारशिला दान दी थी। यहाँ घूमते समय आप बहुत कुछ देख सकते हैं। लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं और खूब सारे स्वादिष्ट व्यंजन आपको यहाँ परोसे जाते हैं। यहाँ पर आए तो नाइट लाइफ को भी जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ तो बहुत कुछ है, साथ ही एक्वेरियम और शिप म्यूजियम भी यहाँ मौजूद है। दोस्तों, ये है कैप पॉइंट। समुद्र के मनमोहक नजारों के लिए ये पॉइंट जाना जाता है। इस जगह पर खड़े होकर आपको प्रकृति का, दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा देखने का मौका मिलेगा। प्रायद्वीप के किनारे पर स्थित ये जगह उभरी हुई चट्टान है। लुभावने समुद्र के नजारे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कैप पॉइंट सिर्फ नजारों के लिए ही नहीं बल्कि 250 पक्षी की प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। पक्षियों को देखने के शानदार अनुभव के साथ आप यहां पर जेब्रा और बबून भी देख सकते हैं। इस क्षेत्र की समृद्ध वनस्पतियां भी आपको अट्रैक्ट करेंगी। अगर आप आराम पसंद हैं, तो यहां थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, काफी सुकून मिलता है। एंड दिस इज कैसल ऑफ गुड होप, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये जगह आपको इतिहास और कल के बारे में बताती है। कैसल ऑफ गुड होप वास्तव में दक्षिण अफ्रीका में बची हुई सबसे पुरानी इमारत है। 1666 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे बनाया गया। संग्रहालयों में इसे बदल दिया गया है। केप टाउन के इंजिको संग्रहालय और कैसल मिलिट्री संग्रहालय के रूप में ये जाना जाता है। केप के इतिहास और कला के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कलर लवर हैं, प्यार करते हैं रंगों से, तो आपको जरूर आना चाहिए बोकॉक। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर रंग बिरंगे घर मिलेंगे। चमकदार रंग बिरंगी इमारतें और पत्थर से बनी सड़कों के साथ ये जगह आपको बहुत सुंदर लगेगी। आपको यहाँ मुस्लिम दरगाहें मिलेंगी। इस इलाके की कुछ इमारतें 18वीं सदी की हैं और म्यूजियम में 19वीं सदी के फर्नीचर दिखते हैं जिसका इस्तेमाल उस दौर के केप टाउन के घरों में किया जाता था, जिसे बहुत ही सहेज कर रखा गया है। यानी ये जगह हिस्ट्री भी दिखाती है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि ये जगह बीचेस के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं। क्लिफ्टन बीच है यहाँ पर, म्यूजेनबर्ग बीच है, रॉबिन द्वीप है जहाँ आप जा सकते हैं, कुछ सुकून भरा समय बिता सकते हैं, इसके नीले पानी में नहा सकते हैं। और इन बीचेस के पास ब्लू फ्लैग है, तो यानी ये पूरी तरह से सुरक्षित है। कल्पनाओं से बिल्कुल परे इन दोनों बीचेस पर आप जा सकते हैं। हरा भरा किनारा, सफेद रेत, क्रिस्टल साफ पानी, खूबसूरती तो इतनी है कि यहीं रुक जाएंगे। किफ्टन की तुलना में एक गर्म समुद्र तट आपको यहाँ मिलेगा। यदि आप कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, वाटर गेम्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, ये ब्यूटीफुल बीचेस, ये खूबसूरत नज़ारे केप टाउन के आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।